मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 अगस्त को आगरमालवा पहुँचे। सीएम शिवराज ने यहां किसान सम्मेलन में शिरकत करते हुए जिले में लगभग 1200 करोड़ की कुंडलिया दाब सिंचाई परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण किया, साथ ही करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को विभिन्न सौगातें दी। हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे बीच आ चुके हैं, वो पूजन कर रहे हैं परियोजनाओं के लिए। सीएम ने किसान सम्मेलन में कहा, आज आगर की सड़कों पर जनता का प्यार और आशीर्वाद की ऐसी वर्षा हुई कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। माताओं ने, बहनों ने फूल बरसाए। मैं आपको वचन देता हूं मेरी बहनों, आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया, ये भाई तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने देगा। इस दौरान सीएम शिवराज ने बाबा बैजनाथ के मंदिर में पूजन करके मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी को खुशियों से भरने का आशीर्वाद मांगा, साथ ही कहा, हम बाबा बैजनाथ लोक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूजा करके एक ही आशीर्वाद मांगा है कि बाबा मेरी जनता की जिंदगी में कोई तकलीफ मत रहने देना, आशीर्वाद की भरपूर वर्षा करना। बाबा बैजनाथ जी लोक के लिए मिलके हम जो तय करेंगे, मैं आपको वचन देता हूँ वैसा लोक बनेगा। सीएम ने कांग्रेस पर भी तीखे हमले किए। कांग्रेस ने कभी सिंचाई की व्यवस्था की थी क्या आगर जिले में? नहीं, जोर से बताओ, की थी क्या? कांग्रेस को लेने देना नहीं था। किसान भाइयों, ये वही कमलनाथ, ये वही कांग्रेस जिन्हें वचन दिया था कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ का कह के सबका कर्जा माफ नहीं किया, उसका ब्याज मैंने भरा जो जिसके कारण किसान डिफॉल्टर हो गए थे। एक नहीं, अनेकों योजना इस कांग्रेस ने बंद कर दी। इस दौरान सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना को बहनों का सम्मान बताया। उन्होंने कहा, मैंने पैसा नहीं दिए, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया है मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान बढ़ाया। आप देखते रहिए न्यूज़ पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।